उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में कई बार तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आती हैं जिन पर नाराजगी भी आती है और कई बार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जिन पर लोग ठहाके लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सदन में भी ठहाके लगाए जाते हैं और इसमें सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी शामिल होते हैं और विरोधी दलों के भी विधायक शामिल होते हैं। वैसे तो मानसून सत्र हंगामेदार दिखाई दे रहा है और लगातार कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी के चांदपुर से विधायक स्वामी ओमवेश बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के विधायक ठहाके लगाते दिखाई दिए और सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद को ठहाके लगाने से नहीं रोक पाए। सतीश महाना आसन पर बैठे थे, स्वामी ओमवेश खड़े हुए और उन्होंने अपने क्षेत्र में तटबंध बनाने की मांग को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने झोली फैला दी और कहा कि सीएम साहब हमारी गुहार को सुन लीजिए, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ का सन्यासी हूं, शायद इसीलिए मेरी मांगों को नहीं सुना जाता है। और इसी मौके पर स्वामी ओमवेश ने झोली फैलाते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी, स्टाफ का मामला है, हमारी बात जरूर सुनी जाए। और जैसे ही उन्होंने स्टाफ का मामला है वाली बात कही, उसके बाद पूरे सदन में ठहाके ही ठहाके सुनाई देने लगे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ के विधायक हंस रहे थे और स्वामी ओमवेश अपनी बात कह रहे थे। आपको बता दें कि गंगा की बाढ़ की वजह से स्वामी ओमवेश के विधानसभा क्षेत्र में तटबंध की परेशानी देखने को मिल रही है और तटबंध ना होने की वजह से, कटान की वजह से किसानों को काफी समस्याएं होती हैं। ऐसे में स्वामी ओमवेश ने सरकार से अपने विधानसभा क्षेत्र के जो भी क्षेत्र गंगा नदी के किनारे आते हैं उन पर तटबंध बनवाने की मांग की। स्वामी ओमवेश ने कहा कि तटबंध अगर बनवा दिया जाए तो हमारे क्षेत्र के किसानों की समस्या खत्म हो जाएगी। मैं विरोधी दल का विधायक हूं और सन्यासी हूं, शायद इसीलिए मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। अगर मैं सत्ता पक्ष का विधायक होता तो मेरी बात सुन ली जाती। ऐसे में उन्होंने झोली फैलाते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी, हम तो एक ही स्टाफ के आदमी हैं, आप भी संत हैं, हम भी संत हैं, ऐसे में हमारी बात को जरूर सुना जाए। इसके बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह खड़े हुए सदन में और उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में तटबंध बनवाए गए हैं और स्वामी ओमवेश के क्षेत्र में अगर तटबंध नहीं है और नियमों के आधार पर अगर ये सरकारी क्षेत्र में आते हैं तो जरूर इस पर विचार किया जाए। स्वामी ओमवेश अपनी शिकायत को लिखकर दे सकते हैं और उसके बाद सरकार इस पर विचार करेगी, क्योंकि सरकार किसानों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से खत्म करने के लिए तत्पर रहती है और प्रतिबद्ध भी है। स्वामी ओमवेश के बयान और विपक्ष और सत्ता पक्ष के ठहाकों के बाद माहौल थोड़ा नरमी भरा दिखा और सदन में कार्रवाई आगे चलती रही, लेकिन स्वामी ओमवेश का यह बयान लगातार वायरल हो रहा है और ठहाकों पर लोग लगातार अलग अलग तरह से चुटकी ले रहे हैं, जिसमें सत्ताधारी पार्टी के नेता भी शामिल हैं और विरोधी दल के नेता भी शामिल हैं।